दोस्तों, फिल्मों के सेट पर स्टार्स का एक दूसरे से प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे स्टार्स बॉलीवुड में रहे हैं जिन्हें फिल्मों में काम करने के दौरान एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन किसी को इसमें सफलता मिलती है और शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो किसी का प्यार अधूरा रह जाता है। मुझे तो माफ करना। दोस्तों, एक ऐसी ही प्रेम कहानी को लेकर हाजिर हूँ लव लाइव सीरीज के इस वीडियो में। बात आकर जुबान तक रुकने लगे। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में एक्ट्रेस अमृता सिंह जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हुआ करती थी। एक्ट्रेस की एक्टिंग के साथ ही उनकी खूबसूरती के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब हुआ करते थे। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत की है आपने। इस हरकत के लिए आपको अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए शर्म नहीं आती। इसके अलावा अमृता सिंह अपने लव अफेयर्स को लेकर भी खबरों में बनी रहती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उस दौर के हैंडसम हंक विनोद खन्ना और खूबसूरत अदाकारा अमृता सिंह की। अमृता और विनोद के लव स्टोरी की शुरुआत दिलचस्प तरीके से होती है, लेकिन एक्ट्रेस की माँ इस रिश्ते पर विराम लगा देती है। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। दोस्तों, विनोद खन्ना उस दौर के बेहतरीन एक्टर में से एक हुआ करते थे। इनकी गिनती बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर में हुआ करती थी। कहते हैं कई एक्ट्रेस तो उनके साथ रोमांस के लिए निर्देशकों से सिचुएशन क्रिएट करने तक की जिद किया करती थी, लेकिन विनोद अपनी कोई स्टार्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। कहते हैं कि अमृता सिंह को एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्यार हुआ था, लेकिन इनमें से किसी के साथ एक्ट्रेस का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। अमृता सिंह सबसे पहले सनी देओल के साथ अफेयर को लेकर खबरों में थी। हालांकि सनी पहले से ही शादीशुदा हुआ करते थे। वहीं सनी के साथ अमृता की लाइफ में क्रिकेटर रवि शास्त्री की एंट्री होती है, लेकिन यहां भी एक शर्त के चलते रिश्ते को विराम देना पड़ता है। रवि शास्त्री के बाद अमृता की नजदीकियां विनोद खन्ना के साथ बढ़ती हैं। ऐसे में साल 1989 में अमृता सिंह विनोद खन्ना के साथ फिल्म दोबारा साइन करती हैं। घबराओ नहीं, तेरे को मारना होता तो जब्बर सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। अमृता अपने इस फिल्म के बारे में रवि शास्त्री को भी बताती हैं। कहते हैं अमृता की बात को सुनकर रवि को हंसी आ जाती है और रवि की ये बात अमृता को बुरी लग जाती है। रवि के इस बात को अमृता एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं और इसके बाद से ही अमृता फिल्म के सेट पर विनोद के क्लोज जाने के मौके तलाशने लगती है। फिल्म के आउटडोर शूटिंग के दौरान अमृता विनोद को इम्प्रेस करने का प्रयास शुरू कर देती है। इसका नतीजा ये होता है कि अमृता और विनोद अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बीच में अमृता के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से दोनों में बात होना बंद हो जाता है। हालांकि फिल्म के दूसरे शेड्यूल पर दोनों की फिर से मुलाकात होती है और इस दौरान अमृता के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलता है। यहीं से विनोद खन्ना अमृता सिंह को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद आए दिन विनोद अमृता के अफेयर की खबरें अखबारों और मीडिया में देखने को मिली जाती थी। बता दें कि अमृता और विनोद खन्ना ने बंटवारा, धर्म संकट और CID जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। अमृता सिंह विनोद खन्ना के साथ काम कर रही थी और साथ ही उनके अफेयर के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में हो रहे थे। ऐसे में जब अमृता की माँ रुखसाना सुल्तान को इस अफेयर के बारे में पता चलता है तो रुखसाना सुल्तान इस रिश्ते का कड़ा विरोध जताते हुए अपनी बेटी पर नाराज हो जाती हैं। दरअसल अमृता और विनोद खन्ना के बीच बड़ा एज गैप था और अमृता की मां नहीं चाहती थी कि उनके बेटी की शादी किसी तलाकशुदा इंसान से हो। यही कारण है कि एक्ट्रेस की मां रुखसाना ने अमृता को विनोद से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था और इसके बाद से ही दोनों ने इस रिश्ते को यहीं पर विराम दे दिया। विनोद खन्ना से रिश्ता खत्म होने के बाद अमृता सिंह के लाइफ में सैफ अली खान की एंट्री होती है। अमृता सिंह
उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी। वहीं उन दिनों एक्टर सैफ अली खान अपने कैरियर के शुरुआती दौर में हुआ करते थे। सैफ की पहली फिल्म बेखुदी की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात होती है और यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाते हुए सैफ ने अमृता के साथ 1991 में शादी कर लिया। हालांकि उस समय जहां सैफ की उम्र 21 साल हुआ करती थी तो वहीं अमृता 33 साल की हुआ करती थी। अमृता और सैफ के बीच उम्र का एक बड़ा फासला था, लेकिन सब कुछ दरकिनार करते हुए इन्होंने शादी कर लिया और इस शादी से इनके 2 बच्चे बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान हुए। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और साल 2004 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया।